विजयपुर में जम्मू कश्मीर रहबरी तालीम टीचर्स फोरम की बैठक सेक्रेटरी रिंकू शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उनके वेतन संबंधी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। आज का जो हमारा मीटिंग जो रहबरी तालीम टीचर्स फोरम के विजयपुर में हो रही है, इसका एजेंडा ये है कि जो हमारी सैलरी है एसएसए की, वो पिछले लगभग 4 या 5 वर्षों से कंटिन्यू नहीं आ रही है। एक महीने की आती है, फिर 2-3 महीने पेंडिंग हो जाती है, फिर 1-2 महीने की आती है, फिर 4 महीने की पेंडिंग हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो जाइए। ये परमानेंट सोल्यूशन यही है, ऑन द अपर हाउस में जो हमारे जो हॉनरेबल मिनिस्टर है फाइनेंस के श्री अबू धाबी जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि आपकी सैलरी को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। बट आज तक वो साल होने को आ रहा है, हमारी जो सैलरी है वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हमारी सैलरी को स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, हम आने जो महीना अगला मार्च है, इसके फर्स्ट वीक में हम क्या करें, 40-50 हजार जो हमारी तादाद में जो आरईटी टीचर्स लगे हैं एसएससी के अंडर, वो वहां पर जम्मू में आएंगे और बिग प्रोटेस्ट होगा हमारा, वो होगा जिसका वो भुगतान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से इस खबर की कवरेज के लिए नरेश जम्वाल, एबी लाइव न्यूज़,